हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आप सभी लोगों को मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से मेरे सारे व्यूअर्स को और सभी लोगों को विश यू अ मेरी हैप्पी क्रिसमस। गाइस, आज के डे पे आप सभी लोगों की सारी विश पूरी हो और आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वो आपकी झोली में सेंता दें। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि यहाँ पे मैं क्या रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे रीडिंग होने वाली है गाइस इस डेक से, जो कि हम देखेंगे इस मैरी क्रिसमस पे यूनिवर्स की तरफ से, जीजस की तरफ से, सेंता की तरफ से आपकी कौन सी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, कौन सी विश पूरी हो रही है, क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, ये हम देखेंगे। ओके, सो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, गाइज, मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट यहाँ पे कर रही हूँ। संडे को, अभी ये जो नियर हमारा संडे आ रहा है, और इस संडे को मैं आप लाइव आ रही हूँ, और इस लाइव सेशन में मैं टाइम कम्युनिटी में मैं ऐड कर दूँगी टाइमिंग क्या होगी। वहाँ पे गाइज आप लोग आ सकते हैं और अपने कोई भी सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जो कि मैं उनके लिए लेके आती हूँ जो मुझ तक नहीं पहुँच पाते या फिर और भी टैरो रीडर्स के पास नहीं पहुँच पाते अपनी प्रॉब्लम को लेके। तो ये यहाँ पे फ्री रीडिंग होती है, आप अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही हूँ, और संडे को आप ज़रूर आइएगा और लाइव सेशन में आपके जो भी सवाल हैं उसका आप यहाँ पे रिप्लाई पाइएगा। ओके, मैं आप मेरी कम्युनिटी को चेकआउट करते रहिएगा, मैं वहाँ पे अपडेट करूँगी कि मुझे कितने बजे से मैं आप लोगों के लिए वो सेशन लेके आ रही हूँ। ओके, एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी मैं कुछ पेजेस वगैरह अपडेट करती रहती हूँ, कुछ छोटी छोटी जानकारी देती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इस क्रिसमस पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पे है सबसे पहला कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, सो कंग्रेचुलेशन माय ऑल व्यूअर्स, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा, वो भी एक मेजर आर्कानास का कार्ड आया हुआ है, जो कि बिगनिंग ही बहुत अच्छे से हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक चैप्टर आपकी लाइफ का, एक चैप्टर जिसमें कुछ लोग हो भी सकते हैं और कुछ लोगों का ये चैप्टर हो सकता है क्लोज हुआ होगा। ये लर्निंग प्रोसेस रही होगी आपकी लाइफ की, एक साइकिल की, जिसके दौर से आप गुजरे और इस साइकिल ने आपको बहुत से लेसन सिखाए होंगे, है ना। और उस लेसन से आपको आने वाले अपने फ्यूचर को, उसे अपने पर अप्लाई करके आने वाले टाइम को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अभी न्यू इसकी बिगनिंग होगी, या फिर एक साइकिल क्लोज होकर एक न्यू साइकिल आपको मिल सकती है इस टाइम पे। तो ये आपके लिए हो सकता है ब्लेसिंग है, आपकी विश है, शायद कोई ऐसी वाली एनर्जी जिसे आप समझ रहे थे कि अब वो खत्म हो और एक नई सी ऊर्जा मिले। तो जी हाँ, आपके लिए एक नया सा साइकिल, एक नया सा टाइम, एक नई सी ऊर्जा आपको मिल रही है। सो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बधाई है आप सभी लोगों के लिए। हाँ, एंड यहाँ पे है द एम्प्रेस। वाओ, ओ माय गॉड, आप एक चीज नोट कर रहे हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, इन दोनों कार्ड में आप लोग देखेंगे कॉमन सी चीज है, जैसे कि यहाँ पे भी मून का है, यहाँ पे भी मून है विद स्टार, यहाँ पे सन भी है। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मून, जब हमारा न्यू मून फुल मून होता है, तो अक्सर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनर्जियाँ जो होती हैं, उनकी वाइब्स जो होती है, काफ़ी ज़्यादा डाउन एंड काफ़ी ज़्यादा लो होती होगी। तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है मुझे मैसेज मिल रहा है कि शायद लव लाइफ से रिलेटेड आप लोग कुछ ब्लेसिंग पाना चाहते हैं। हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोग कुछ ब्लेसिंग पाना चाहते हैं। वाओ, और आपके लिए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो गई है कि यहाँ पे दोनों कार्ड स्टार्टिंग हुए हैं, दोनों कार्ड मेजर आर्कानास है, दी एम्प्रेस एंड साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और भी आगे देखते हैं। ओके,
यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत। वाओ बहुत खूब। एंड यहाँ पे है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, एंड यहाँ पे है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स। सो मैं इतने कार्ड्स को यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर बाकी के कार्ड्स मैं आगे लेती हूँ, ठीक है? तो गाइज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे सबसे वन बाय वन मैं क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है? और जैसा कि ये रीडिंग जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, आप किसी भी धर्म जाति से हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपकी कोई भी राशि है, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? तो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे जहाँ तक ये पहला जो कार्ड दिखाई दे रहा है, ये खास तौर पे मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सनल लाइफ, आपके लव लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ मैसेज मिल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके करियर के भी अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मैं बताना चाहूँगी गाइस, पहला चीज़ तो अगर आप किसी साइकिल में थे, कोई एक ऐसी वाली एनर्जी जिसे आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे थे, हमारा 2021 से अक्टूबर मंथ से आप अगर किसी चीज़ को अपने साथ कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और वो स्टक वाली एनर्जी है, या फिर कोई स्टक वाला रिलेशनशिप है, या फिर आपके रिश्ते में कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो लोग, ठीक है, उन लोगों का यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दी एंड हो रही हैं, वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, जो भी आपका कार्मिक चीज़ था वो चीज़ क्लोज हो रहा है, और अब एक नए सिरे से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपका एक एक कर्मा, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है और एक नया साइकिल आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, दी एम्प्रेस जो कि बता रहा है, ये जो टाइम है आप सभी के लिए यहाँ पे ये मिल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द अंडर 1 मंथ या फिर अंडर 20 या फिर 25 डेज आप लोगों की कोई विश पूरी हो रही है, और ये विश पूरी हो रही है जो कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें ये हैं आपकी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, आपकी गुड हेल्थ हो रही है, आपके करियर में अगर कुछ अप एंड डाउन्स था वो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको एक ग्रोथ मिल रहा है। अगर आपको कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था आपके रिश्ते में, या फिर आपके करियर में, या फिर आपके वर्क में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो चीज़ हो रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे इस टाइम पे हो सकता है आपकी फैमिली में बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी इन द सेंस अगर आप 4 मेंबर हैं तो 5 हो जाएंगे, कोई न्यू बेबी आएगा, बेबी कंसीविंग का यहाँ पे गुड न्यूज़ दिखाई दे रहा है, आपको मिल सकता है, ये भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तीसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, एस ऑफ वैंड्स ये बता रहा है, ये यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है इस क्रिसमस पे कि कोई नया इंसान आपके घर में आ रहा है, जो कि नया है ना, नया। अगर ये आप किसी को वेट कर रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर ऑलरेडी आप किसी का वेट कर रहे हैं तो डियर अब भी मुझे यहाँ पे ऐसी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आगे कार्ड्स लूंगी तो मैं बताऊंगी, फिलहाल अभी जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी ये मिल रही है। तो गाइज यहाँ पे मुझे अभी न्यू एनर्जी आ रही है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंट या फिर कुछ टाइम पहले ही अगर आपकी लाइफ से किसी चीज़ का खात्मा हुआ है, लेकिन ये मैं उनके लिए ही मैसेज दूंगी जिन लोगों ने किसी स्टक रिलेशनशिप को खत्म किया है, ठीक है, किसी मतलब कि स्टक वाली एनर्जी जिसमें आपको जितना देना था आपने दिया, आप समझ रहे हो, आपको जितना देना था आपने दिया, बट आपसे चीज़ें वो ओवर हो रही थी, है ना, चीज़ें आपसे ओवर हो रही थी, आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें खत्म होके आपकी लाइफ में एक कोई नई सी एंट्री हो रही है, कोई नया सा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये जो पर्सन है ये आपको मदर यूनिवर्स दे रही है, यूनिवर्स दे रहे हैं, यही आपके लिए ब्लेसिंग है। शायद एक नया सा इंसान, और एक ऐसा इंसान जो आपको हो सकता है कि जिसका आपको इंतजार था बहुत लॉन्ग टाइम से, एक ऐसे इंसान का इंतजार था, और गाइज ये इंसान हो सकता है काफी एक हाई फाई पर्सनालिटी इसकी हो, एक बहुत अच्छी सोसाइटी से हो, एक बहुत अच्छा इसका ऑरा हो, और दूसरी चीज़ ये काफ़ी रिच फैमिली से भी हो सकता है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसका जो माइंड होगा ना, बिल्कुल कंप्यूटर जैसा चलता होगा, एक ऐसा इंसान होगा ये।
तो ये इंसान आपको मिलने वाले हैं, और ये कैसे मिलने वाले हैं, शायद कुछ लोगों ने एक ऐसे ही इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर नहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये रीडिंग देखने के बाद आप लोग मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ज़रूर ये इंसान आपकी लाइफ में, कुछ लोगों को तो मैं बताना चाहूँगी गारंटी के साथ अंडर 1 वीक में ये इंसान आपको मिल जाएगा, और कुछ लोगों को नेक्स्ट मंथ आते आते ये इंसान आपको मिल जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ डेफिनेटली बता रही हूँ कि ये होने वाला है, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर एट ऑफ पेंटिकल्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे ऐसी हैं जो कि सर्वगुण संपन्न है, आपके पास इनफ मनी है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आपके पास अच्छा ज्ञान है, आपके पास हर एक चीज़ों का एक भंडार है, कलेक्टिव चीज़ों को आपने कलेक्ट करके रख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास प्यार नहीं है। आपके पास प्यार नहीं है, और कहीं ना कहीं इस ऐसी वाली एनर्जी के लिए शायद आपकी लाइफ में गाइस कुछ लोगों ने आपको ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दी है। आपकी हैप्पी वाली टाइम को, आप जब ऐसी एनर्जी में रहते थे ना, ये वाली एनर्जी को कुछ लोगों ने शायद आपको ऐसी एनर्जी दी, लेकिन फिर भी आप बहुत बखूबी से इस एनर्जी से निकल के आए हैं, और अब आप कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपका सोल, आपकी इंट्यूशन, और आपके जिससे भी आप मानते हैं, जिस भी मतलब ईश्वर से, ईश्वर को आप मानते हैं, उन्हों वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, किसी के दबाव में आप रहते थे, सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर बात की जाए, प्यार सब कुछ है आपके पास, लेकिन एक एक लव, एक इमोशंस, एक प्यार, अट्रैक्शन, उसकी वजह से आपको कोई इसे कि पुश करके रखता था, दबा के रखता था, तो इस चीज़ से आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है कि इस चीज़ से बाहर आओ। हाँ, इस चीज़, इस एनर्जी से, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, इस एनर्जी से बाहर आओ और ऐसी एनर्जी में आओ। कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, ऐसे लोगों को जानो, पहचानो, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करो। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये एनर्जी बार बार मुझे एक ये भी चीज़ सुनाया जा रहा है, मेरे कानों में जैसे सुन रहा है कि आपका जो वर्क फील्ड है, जहाँ पे आप काम करते हो, आपका ऑफिस हो गया, या फिर आपका बिजनेस हो गया, या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप तो ऑलरेडी, आपके पास इनफ मनी है, सब कुछ आपके पास है, अब कितना, अब बस करो। तो ऐसे भी लोग हो सकता है आपकी ना आउटपुट जो आ रहे हैं उससे उनको जेलस होता है, उससे उनको देखा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से आपको किसी ना किसी ऐसी एनर्जी में वो आपको डाल देते हैं। तो उस चीज़ का भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना इन सारी चीजों से थक गए हो, लेकिन आपकी एक ऐसी एनर्जी है, आप डे बाय डे ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और इस आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई आपको रोक रहा है। तो आपको इस टाइम पे यही एनर्जी दी जाएगी, यही ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपको अचानक से इंट्यूशन आपकी हाई होगी, और आपकी ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा, आपका माइंड, आपका सोल ये कहेगा कि कौन है, उस इंसान को आप जान जाओगे, है ना। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है द स्टार। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे है डेथ। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, फाइन। और भी कार्ड लेने होंगे तो मैं बात ले लूंगी, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे आगे, अगर कुछ और भी चीजों को यहाँ पे मुझे क्लियरफाई करना है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस। यहाँ पे तो स्टार का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे भाई आपकी विश फुलफिलमेंट होने का यहाँ पे कार्ड आ गया, द स्टार। अगर कुछ लोगों का यहाँ पे ड्रीम है कि आप एक बहुत ज्यादा एक लाइक स्टार की तरह बनना चाहते हो सकता है आपका ड्रीम हो कि आप एक जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, उन्हें एक स्टार कहते हैं, तो हो सकता है आपका ड्रीम हो कि आपका नेम हो, फेम हो, तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। हो सकता है इस टाइम से, 25 दिसंबर, इस क्रिसमस के टाइम से आपकी झोली में ये चीज़ें बनने का, आपको एक स्टार बनने का चीज़ें आपको दिखाई देने लगे, ठीक है। वो चीज़ें, अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कुछ लोगों को भी पता चल जाएगा इसी टाइम पे कि आप एक स्टार सीड हो, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप इस लाइफ में कुछ करने आए हो, आप एक स्टार सीड हो, दूसरों की मदद भी करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, है ना। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक स्टार सीड भी हो, आपका अपना सोल पर्पज़, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं शायद आपने जाना है कि आपका सोल पर्पज़ क्या है और आप उस पर काम भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। और कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे यही ब्लेसिंग दी जाए, आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी यूनिवर्स की तरफ से कि आप करना क्या चाहते हो, रियल में आप करना क्या चाहते हो। हाँ, एंड यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स है, तो हो सकता है बहुत से लोगों की विश है यहाँ पे, जो सिंगल हैं, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूंगी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे तो सबसे पहले द स्टार के बाद यहाँ पे अगर फोर ऑफ वैंड्स है, तो कहीं ना कहीं कार्ड ये भी बता रहा है कि शायद कुछ लोगों का यहाँ पे ड्रीम है, और वो ये ड्रीम ऐसा है कि आप लोगों की मैरिज नहीं हो रही है। हो सकता है आप लोगों की एज, लाइक जो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है 28 38 एंड 40, कुछ लोग 5 5 के भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे नंबर दिख रहे हैं। हाँ, 44 27 35, और अगर ये मैंने नंबर बोले हैं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद इस एज में आके, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, शायद आपकी आपका एक मैरिज खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है आफ्टर फोर ऑफ वैंड्स, और बाद में फिर से यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स, मैरिज, यहाँ पे डेथ, फिर मैरिज का कार्ड, आप समझ रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, खास तौर पे उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जिनकी बहुत ज्यादा एज अगर मैंने यहाँ पे बताई है, तो शायद आप सेकेंड मैरिज अगर करना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। और शायद इसीलिए यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड के बाद यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आया था, कि शायद आप किसी नए इंसान को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करो, शायद आप एक बच्चे की माँ भी हैं या फिर एक बच्चे के फादर भी हैं, और फिर से अपनी नई दुनिया अपने बच्चों के लिए बसाना चाहते हैं, तो शायद इस वजह से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है। हो सकता है कुछ लोग इन पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हैं, है ना, जो आ रहे हैं, और शायद उनसे कुछ चीज़ें अलगाव सी हो गई थी, तो हो सकता है आप इन पर्सन को ऑलरेडी जानते भी हैं, तो वो भी आ रहा है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो लोग सिंगल हैं, लाइक आपकी मैरिज नहीं हुई थी, आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो भाई उनके लिए तो ब्लेसिंग ये मिल रही है, आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी मैरिज हो रही है, अगर आप एक ओवर एज में हैं या फिर मैरिज के एज पे हैं, ओके। और जो लोग भी अगर आपका ये सपना है, विश है कि आपकी मैरिज हो, और वो भी उनके साथ हो जिसे आप चाहते हो, हाँ, मतलब लव लव मैरिज, मुझे लव मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ। आप लोगों के लिए चाहे ये सेकंड मैरिज हो चाहे फर्स्ट मैरिज हो, बट मैं यही बोलूँगी 80% मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपको ये क्लियरिटी मिल जाए कि जिसका आप वेट कर रहे हो उनकी तरफ से आपको क्लियरिटी मिल जाए, उनकी तरफ से कमिटमेंट मिल जाए, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपका अगर कोई किसी के साथ आप ऑलरेडी मैरिड थे, वहाँ पे आपको लीगली तरीके से डाइवोर्स चाहिए थे या फिर हो चुका है, तो वो मैरिज आपकी खत्म हुई है और आप सेकंड मैरिज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों की मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, शायद किसी के साथ आपका ऑलरेडी पहले आपका रोका हुआ, और उसके बाद वो टूट गया, और फिर उसके बाद फिर से उसी पर्सन को आपने शायद मैनिफेस्ट किया, और उन्हीं पर्सन के साथ आपका फिर से रीयूनियन होने वाला है, फिर से उन्हीं के साथ मैरिज के कमिटमेंट आपको मिलने वाले हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये आपके विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपका सपना पूरा हो रहा है, हाँ, ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़ें मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगी, जो लोग ऑलरेडी मैरिज में हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड लोग हैं, है ना, और ये थर्ड लोग मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, करियर, मुझे बार बार करियर दिखाई दे रहा है, करियर ही है, कोई कोई इंसान नहीं है,
हो सकता है 5 to 10% हो, बट मुझे करियर दिखाई दे रहा है, करियर है तो जी हाँ, आने वाले इस टाइम पे बहुत जल्द अंडर 6 मंथ या फिर अंडर 2 मंथ्स में हो सकता है कि वो जो भी करियर की वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके शादीशुदा जीवन में अगर कोई चीज़ें स्मूथली नहीं चल पा रही थी तो उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। अच्छा तो और भी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, गाइड प्लीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, गाइड प्लीज एंजल। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। ये कार्ड्स मैं तीनों ले रही हूँ। यहाँ पे है आपके लिए 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है 6 ऑफ कप। एंड यहाँ पे है द टावर। ओके, ये कार्ड आने की कोशिश कर रहा है, मैं कार्ड उठा रही थी, ऑटोमेटिक छूट गया। तो 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, खुद ब खुद कार्ड आने की कोशिश किया, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आने की कोशिश किया यूनिवर्स, प्लीज गाइड प्लीज। द वर्ल्ड, ओके फाइन। तो गाइज, मैं डेफिनेटली आपको यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बेशक मुझे सबसे ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है उनके लिए जिन लोगों के रिश्ते टूटे थे, जिन लोगों के सेपरेशन हुए थे, जिन लोगों की रिश्ते में तीसरे लोग आए थे, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनके रिश्ते को फिर से एक मौका दे रही है। और ये कुछ भी शायद हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रे की वजह से, आपकी आस्था की वजह से, आपके ट्रस्ट की वजह से, आपकी होप की वजह से हो रहा है, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है गाइस। हालांकि कुछ लोगों के मन में तो ये बिल्कुल रहा होगा कि शायद ये रिश्ता तो भाई अब खत्म ही हो गया है ना। कुछ लोगों के मन में बिल्कुल डेफिनेटली ये रहा होगा कि ये तो रिश्ता अब खत्म ही हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है। शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, या फिर जिनका वेट कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ जस्टिस चाहते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता 10 साल का रहा हो, 5 साल का रहा हो, 6 साल, 8 साल का रहा हो, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का रहा हो, और आप इनका शायद तब भी इंतजार कर रहे थे। एक फैमिली है, फैमिली फैमिली में एक अलगाव हुआ था, एक चीज़ें हुई थी, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसी में आपको न्याय मिल रहा है, यही चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही हैं कि आपकी ये विश पूरी हो गई है, जो आपने प्रे किया, आपने मिन्नत की अपने फिर से पर्सन के लिए, और वाकई में वही पर्सन आपको मिल रहे हैं। ये चीज़ें हैं बेशक। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, आपके सामने ऑटोमेटिक वो इंसान आ जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में दरार आई थी, रिश्ते में खटास आई थी, वो भी उसके बारे में भी आप जान जाओगे। ओके, अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के तो भाई जॉब गए हैं, और आपने एक दूसरा भी जॉब अचीव किया है, पाया हुआ है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना। तो आपको ये भी ब्लेसिंग यहाँ मिल रही है कि बहुत जल्द, हो सकता है 2 मंथ्स या फिर 1 मंथ्स में, या फिर बहुत जल्द, ये रीडिंग आप देख रहे हो, इस रीडिंग के समथिंग मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी कि 10 डेज या फिर 15 डेज में, हाँ 10 डेज, 15 डेज या फिर 1 मंथ्स में, या फिर जनवरी तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगा रिलेटेड टू न्यू जॉब ऑफर। और हो सकता है आप जैसे ही वहाँ पे अप्लाई करो, वैसे ही आपका पुराना जॉब, जहाँ पे आप नहीं चाहते थे कि वो जॉब जाए, वहाँ से भी हो सकता है फिर से आपको कम बैक करने के लिए मैसेज आए, ये भी दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाया जा रहा है कि प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ लोगों ने अगर कहीं किसी को हेल्प की थी, किसी की मदद की थी, तो उसका आउटपुट आपको रिटर्न आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आएगा, शायद आप समझ नहीं पाओगे, किसी दूसरे के थ्रू, उस इंसान के थ्रू नहीं, किसी दूसरे के थ्रू। सोलमेट कौन होते हैं, क्या होते हैं, आपको पता चल जाएगा, आपके ट्रू सोल मिलने वाले हैं आपको इस टाइम पे, और जिसे आप ऑलरेडी जानते थे तो वो आपको क्लियरिटी दे देंगे। हाँ,
एक बिग टावर मूवमेंट है आप लोगों के लिए, और ये जो भी टावर मूवमेंट है गाइज आप लोगों की लाइफ को बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे द स्टार का भी कार्ड है। तो बेशक बहुत से लोगों को यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके नेम फेम अबंडेंस हो जाएंगे, और जो भी आपकी विश रही है, जिसके लिए भी आप काफ़ी टाइम से अगर प्रे कर रहे थे, ठीक है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ओके, तो ये हम देख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखूंगी, सो डोंट वरी, रीडिंग आपकी अच्छे से होगी। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगी सबसे पहले, हालांकि मैंने कार्ड्स से क्लियर कर दिए हैं, और बट मैं यहाँ पे कुछ और भी चीजें देखूंगी जो कि इस डेक से मैं देखने वाली हूँ, वो है ये, अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्या ब्लेसिंग है। हालांकि मैंने करियर पर्सनली एंड प्रोफेशनली सारी चीजें बताई हैं, तो यहाँ पे मैं टाइमिंग देखूंगी, ठीक है, फॉर स्टूडेंट टाइमिंग गुड ब्लेसिंग, फॉर स्टूडेंट टाइमिंग गुड ब्लेसिंग, जस्ट मिनट, डेथ का कार्ड दिखा है यहाँ पे, आना होगा तो आ ही जाएगा। यहाँ पे है पेज ऑफ कप, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। सो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम्स दिया था गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड, हाँ, तो उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, उसका रिजल्ट आता हुआ आ रहा है। तो रिजल्ट में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ भाई, 80% लोगों का यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव रिजल्ट है। और उसका सेलिब्रेशन भी आप करने वाले हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका करियर विद एक न्यू रिश्ता भी दोनों बनने वाला है। लाइक हो सकता है आप एक बैचलर होंगे, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और आप चाहते हैं कि आपको जॉब भी मिल जाए, और जॉब की वजह से आपने किसी को रोक रखा है कि भाई पहले हम सेटल्ड हो जाते हैं फिर कमिटमेंट देते हैं फॉर मैरिज, तो शायद आपके लिए वो भी बताया जा रहा है कि आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और साथ में मैरिज के लिए भी, लव के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब दो चीज़ें, वो कहते हैं ना, एक एक वर्क से दो दो काम। तो आपको दोनों चीज़ें एक साथ ब्लेसिंग मिल रही है, करियर भी और लव भी, सो कंग्रेचुलेशन। और अब मैं यहाँ पे देखूंगी उनके लिए ये ब्लेसिंग, और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट जो आने वाला हमारा मंथ्स है, जनवरी मंथ्स, उसमें आपको ये ब्लेसिंग मिल जाए, और कुछ लोगों को तो बहुत जल्द अंडर 4 वीक में ही ये ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, और मैरिज करना चाह रहे हैं किसी से, सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या टाइमिंग है, सेकंड मैरिज के लिए आपके लिए क्या टाइमिंग है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में है 4 ऑफ कप। ओके, तो आपके लिए गाइस, जो लोग डियर, जो लोग आप लोग मैरिड हैं, सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, या फिर सेकंड चांस आपको ट्राई फिर से यूनिवर्स दे रही है, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अप्रैल का महीना हो आप लोगों के लिए। अप्रैल मंथ्स मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मार्च हो, या फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस साल का लास्ट मंथ भी हो सकता है, दिसंबर या फिर नवंबर। ओके, तो ये भी टाइम दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फरवरी भी महीना हो सकता है। ओके, और अब हम देख लेते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। ओके, जो लोग सिंगल हैं, वेट कर रहे हैं अपने एक्स पर्सन का, पास्ट पर्सन का, और सिंगल हैं, नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए। सो देखते हैं आपके लिए रिकन्सिलेशन कब तक है, टाइमिंग देखा है, हालांकि रीडिंग तो मैंने कर दी है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ कप। यहाँ पे मैंने काफी लोगों के लिए बोला है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कार्ड लूंगी। 10 ऑफ वैंड्स, 1 मोर कार्ड, एंड यहाँ पे है जस्टिस। ओके फाइन, तो गाइज यहाँ पे आप सभी के लिए मैं जहाँ तक कार्ड देख पा रही हूँ बताना चाहूंगी कि ये आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है, और टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग मुझे जहाँ तक कुछ लोगों के लिए तो फरवरी है। ओके, बहुत स्ट्रांग, कुछ लोगों से अभी से 6 महीने,
फरवरी मतलब जनवरी से जून जुलाई तक आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग किसी कोर्ट केस में हैं, कोई आप लोगों के ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं लाइक अ कास्ट का इशू या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, वो सब कुछ एक साइड हो जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। हाँ ये भी है, मीटिंग का अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से मिनिमम से मिनिमम टाइम जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी से हो सकता है 22-25 डेज में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 2 महीने, 6 महीने और कुछ लोगों के लिए गाइज मान के चलिए 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, जिन लोगों का भी न्यू रिश्ता है या फिर है। ओके तो ये है यहाँ पे टाइमिंग। ओके तो अभी भी हम यहाँ पे और भी कुछ देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए, और भी कुछ मैसेजेस, गाइडेंस मैसेजेस। यहाँ पे है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये देखिए आने वाला ये जो टाइम है ना 2022, ये आप लोगों के लिए सभी के लिए खुशियों भरा टाइम है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी सी ब्लेसिंग वाला टाइम है। यहाँ पे है यू आर अ रेडी और आपको होना है रेडी। वाह वेरी गुड। तो भाई अब आप लोगों को मैं क्या कहूँ, आप बस रेडी रहिए ये सारी खुशियाँ ये सारी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाना है। ओके इन सारी विश को लेने के लिए। और भी मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, जस्ट मिनट, यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम, जस्ट मिनट। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओके सिक्स पे जो भी मैसेजेस दिखे हैं मैं लेती जाऊंगी। यहाँ पे है ओपन योर आई, तो थोड़ा सा गाइज आप लोग को अगर ट्रस्ट इशू है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन सही है कौन गलत है ये भी जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे है आपके लिए कुछ नंबर 23, 1, 5, 4, 6 एंड 15, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपके बर्थ हो सकते हैं। यहाँ पे है देख लीजिए शुभ विवाह, मैरिज भी है यहाँ पे, काफ़ी मैंने पहले ही बताया था। एंड यहाँ पर है मदर, अगर कुछ लोगों के लिए गाइस हो सकता है मदर इशू भी रहे होंगे तो हो सकता है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे है डिवाइन टाइम सून, आप लोगों के डिवाइन टाइम सून हो गया और डिवाइन आपको भाई ब्लेसिंग दे भी रही है। यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन, तो कुछ लोग यहाँ पे भाई पहले से ही मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग सोलमेट और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं जिनके भी साथ हैं। यहाँ पे है आपके लिए मैसेज डोंट डाउन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, हेल्प पुअर पीपल, तो नीडी पर्सन की मदद भी करिए, डोंट डाउन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और भी देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस, यहाँ पे है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे है हैप्पी, तो आप लोगों के लिए हैप्पी हैप्पी होने वाले हैं। यहाँ पे है मनी, कुछ लोगों को मनी मिलने वाला है। यहाँ पे है नवंबर, मैंने पहले भी बोला था मंथ्स। यहाँ पर है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व, कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। हेल्प योर फैमिली, यहाँ पे है विंटर सीजन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे है फ्री सेल्फ, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा, एंड यहाँ पे है समर, यहाँ पे है प्रे टू गॉड, तो गॉड से प्रे करिए और आपकी जो भी विश है वो भाई पूरी तो हो ही रही है। लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है जनवरी, तो हो सकता है जनवरी महीना भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो गाइज ये है आप लोगों के लिए, और भी मैं कुछ देख लेती हूँ, ठीक है जस्ट मिनट, कुछ इनिशियल देख लेते हैं ठीक है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पे इनिशियल,
यहाँ पे है आप लोगों के लिए बेबी गर्ल। मैंने पहले ही बोला था कुछ लोगों को प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है, तो भाई आप लोगों के घर में एक बेबी गर्ल आ सकती है। यहाँ पे है बर्थ, तो हो सकता है कुछ लोग अपने घर में कोई बर्ड वगैरह ले सकते हैं, कोई पेट एनिमल आप रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए, डोंट गिव अप। तो गाइज आप लोग को गिव अप नहीं करना है, जिस भी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं फाइट करते रहिए। यहाँ पे है कुछ ये मंत्रास जो कि आपको चैंट करना है, गंग गणपतये नमः, आप इसे चैंट कर सकते हैं। और यहाँ पे है आपके लिए चिल्ड्रेन, बच्चों का यहाँ पे काफ़ी मैसेज आ रहा है, तो भाई बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे है आप लोगों के लिए ये इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम के और आपके नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर हो सकते हैं। यहाँ पे है एम, आई है, और यहाँ पे है एन, यहाँ पे है 10 नंबर, यहाँ पे है वी, यहाँ पे है 2, एंड और भी देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे है परसेंटेज, शून्य, यहाँ पे है के, एंड यहाँ पे है 13, यहाँ पर है 31st, कुछ लोगों की एज होगी, या फिर ई है यहाँ पे, जी है, यहाँ पे है एस, 6 नंबर है, यहाँ पे है 30, एंड यहाँ पर है 8 नंबर, एंड लास्ट मैसेज है आप लोगों के लिए ओम साई राम। ओके तो ये है। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग एक छोटी सी, होप कि आपको क्लियर हुई होगी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।